सो हेलो दोस्त, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ अपने खास YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आप फिल्म मेकर जितने भी होते हैं, अगर आप फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, आप अपना टीवी सीरियल बनाते हैं, या कोई भी आप इस प्रकार का रियलिटी शो चलाते हैं या एपिसोड चला रहे हैं, या फिर आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, इन सभी का एक नाम रखा जाता है। मान के चलो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ या वेब सीरीज बना रहा हूँ और उसका नाम रख दिया मैंने F10, या मैंने रख दिया उसका नाम नमस्ते लंदन, या मैंने रख दिया उसका दिल से शुक्रिया, ऐसा कुछ नाम मैंने रख दिया। वो नाम रखते हैं हम स्टोरी के बेस पे, जिस तरह की स्टोरी है, ठीक है। तो आपका जो नाम होता है फिल्म का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी आप नाम रखते हैं वो बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। बड़ी मुश्किलें होती हैं नाम रखने में कि यार नाम क्या रखें जो किसी और का भी ना हो और बड़े अच्छे से लोग जान पाए। तो अगर आप फिल्म बनाते हैं और आपने प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और आप फिल्म बना रहे हैं, टीवी सीरियल बना रहे हैं, तो दोस्त मेरे, मेरे भाई बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे चाहने वालों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो उसका एक टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है। तो प्लीज़ आप अपना टाइटल रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने घर से सर्विस प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हमारे द्वारा। हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और अब तक न जाने कितने टाइटल्स हम भारत में रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। इसके अलावा भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, बट वो कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, US, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऐसी ऐसी जगह पर रहते हैं, वहाँ पर शूटिंग करते हैं, लेकिन वो कार्ड यहीं से बनवा के जाते हैं। वो भी अपना टाइटल रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही काम करते हैं। टाइटल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप आराम से घर से सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो टाइटल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो WIFA से करवाते हैं, वेस्टर्न इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई। जब आप कोई भी आप नाम देते हैं, नाम आपका एक यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए भी किसी भी प्रोजेक्ट से। मान के चलो आपकी जो वेब सीरीज है वो तेरे नाम के नाम पे है, जबकि तेरे नाम फिल्म पहले ही आ चुकी है, तो वो तेरे नाम के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो डुप्लीकेट में आ जाएगा। अगर उससे मैच भी होता है तब भी नहीं होगा, जैसे तेरे नाम और अगर उसके आगे पीछे में कुछ और लगा दो, माँ तेरे नाम, तो ऐसे भी रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि वो तब भी डुप्लीकेट माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में ना तो आपकी वेब सीरीज फिल्म रैंक कर पाएगी और ना ही उनकी कर पाएगी। तो डुप्लीकेट को कभी भी सपोर्ट नहीं करती एसोसिएशन, इसलिए नाम आपका हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। जब आपका नाम ऐसा होता है यूनिक, तो उसके बाद आपको अपना प्रोडक्शन हाउस का कार्ड भेजना होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है WIFA का। अगर आपने पहले से प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो ही आपके पास कार्ड होगा। अगर आपने प्रोडक्शन हाउस अब तक रजिस्टर्ड नहीं कराया है और फिर भी आप फिल्म बनाने की या वेब सीरीज बनाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कराना होगा अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड। और प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने पिछले बार कई सारे वीडियो डाली हैं, बट आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं आप अपने घर बैठे। पहले आप प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करिए, उसके बाद आपका टाइटल रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है। चलिए, अगर आपने प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा लिया है, आपके पास कार्ड है, तो सबसे पहले आप अपना कार्ड भेजेंगे, उसके साथ साथ अपना आधार कार्ड और एक फ़ोटो और एक पैन कार्ड ये भेजेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद अपने टाइटल का नाम भेजेंगे कि आपके टाइटल का क्या नाम है, वो किस कैटेगरी का है। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि वो शॉर्ट फिल्म है, फ्यूचर फिल्म है, वेब सीरीज है, या यूट्यूब फिल्म है, या कोई इवेंट शो है, रागनी है, एल्बम म्यूजिक है, या किस तरह का वो प्रोग्राम है, ठीक है, कैटेगरी। उसके बाद वो किस भाषा में है, वो मराठी में है, बंगाली में है, गुजराती में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, भोजपुरी में है, तमिल में है, ठीक है, तो वो किस भाषा में है। तो आपको ये चीज़ें भेजनी होती है, फिल्म का नाम, कैटेगरी और किस लैंग्वेज में है। अब टाइटल की बात करते हैं, फ़ीस चार्जेस के, तो टाइटल रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है वो एसोसिएशन की तरफ से होती है 250 रुपये। बट वो जो 250 रुपये चार्जेस होते हैं वो सिर्फ एसोसिएशन के चार्जेस हैं, जिसमें एक फॉर्म भी लगता है और आने जाने का जो हमारा खर्चा होता है वो भी हम जाके खर्च करते हैं। और एसोसिएशन का जो टाइमिंग होता है वो होता है 90 डेज, 90 दिन में वो टाइटल आपको मिलता है रजिस्टर्ड होकर, ठीक है। हम लोग आपके जो टाइटल है हम लोग चार्ज करते हैं 1,000 रुपया, ठीक।
हम उस टाइटल की जो रिसिप्ट है रजिस्ट्रेशन की वो आपको सेम डे भेज देते हैं, एक ही दिन में आपका जो टाइटल है वो रजिस्टर्ड करवा देते हैं। अगर किसी वजह से छुट्टी वाले दिन आप टाइटल भेजते हैं तो अगले दिन करवा के दे देते हैं, ठीक है। तो एक दिन में हम लोग टाइटल आपका रजिस्टर्ड करवा के आपको रिसिप्ट भेज देंगे। और एक टाइटल होता है अर्जेंट, किसी को अपनी फिल्म सेंसर करवानी होती है, उसको टाइटल अभी तक फिल्म का नहीं रजिस्टर्ड करवाया तो उसको अर्जेंट करवाना है, तो उसको फिल्म का अर्जेंट करवाने के लिए एक टाइटल सर्टिफिकेट होता है, जो टाइटल सर्टिफिकेट के माध्यम से ही फिल्म सेंसर होती है। तो उसके लिए आपको अर्जेंट फीस पे करनी होती है 3500 रुपया, जिसमें आपका जो टाइटल रजिस्ट्रेशन है स्लिप आपको तुरंत मिल जाएगी, बट जो सर्टिफिकेट होता है सेंसर के लिए टाइटल का वो मिल जाएगा आपको 8 दिन के अंदर अंदर। तो उसके बाद आप अपनी फिल्म को सेंसर करवा सकते हैं। तो अगर आप फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, कोई भी आप चीज़ें बना रहे हैं, तो सबसे पहले टाइटल बनाइए, उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो किसी और के नाम से नहीं होगी, आपके प्रोडक्शन के नाम से होगी, और वो उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। अगर कोई कॉपी करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो टाइटल रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। टाइटल काम करेंगे तो आप रजिस्टर्ड करवाने के बाद करेंगे तो लीगल तरीके से माना जाएगा, आपके जो आर्टिस्ट हैं वो खुल के काम कर पाएंगे, ठीक है, और आपकी जो फिल्म है वो चोरी होने का डर नहीं होगा। अगर मान के चलो आपने टाइटल रजिस्टर्ड नहीं कराया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अब ये भी सवाल आया होगा कि अगर हम नहीं कराते तो क्या होगा। मान के चलो आपने पूरी फिल्म बनाई, पूरा पैसा लगाया, टीम लगाई, खाना पीना आना जाना टाइम भी खर्च किया, आपने फिल्म बना के रेडी कर लिया है, अब उसका टाइटल रजिस्टर्ड है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे तो केवल यूट्यूब पे डालनी है, मुझे क्या करना है टाइटल रजिस्ट्रेशन का, मुझे कौन सा सिनेमाघर में रिलीज करना है, तो यहाँ पर आपको एक दुविधा हो सकती है। मान के चलो आपने जो फिल्म बनाई है वो आहट के नाम से बनाई है, या आपने जो उसका नाम रख दिया है वो रख दिया दिन रात, अब वो दिन रात के नाम से आपने YouTube वगैरह पे कहीं भी जहाँ भी जा लिया आपने वो अपलोड कर दी है। अब वो फिल्म की स्टोरी जिसको भी पसंद आई वो किसी को पसंद आ गई, अब उसने वो चेक करवाया क्या ये टाइटल रजिस्टर्ड है, और वो पता चला कि वो टाइटल रजिस्टर्ड है ही नहीं। अब उसने वो टाइटल अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया, अपने प्रोडक्शन से रजिस्टर्ड करवा लिया, क्योंकि आपने तो पहले कराया नहीं तो उसका मिल जाएगा। उसने रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके बाद वो आप पे क्लेम कर सकता है कि आपकी जो स्टोरी थी वो बहुत बाद में रिलीज होने वाली थी, बट आपने उस नाम से रिलीज पहले कर दिए, जबकि आपने चोरी किया है, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन का स्लिप भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इस टाइटल का, और इन्होंने चोरी किया है, मैं इस पर माना नहीं, या जो भी तरीके से वो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई करके आपके आपके ऊपर बहुत बड़ा केस ठोक सकता है, आपको दुविधा में डाल सकता है। तो इसलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुरक्षित चीज़ें होती हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर पेपर वर्क, तो ये करने के बाद ही अपना काम शुरू कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइटल रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं आप घर बैठे टाइटल को रजिस्टर्ड करवाना, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अगर आपको सही लगे तो आप हमारे द्वारा जुड़ के काम करवा सकते हैं, नहीं लगता है तो नो प्रॉब्लम, आप आगे वीडियोज़ देखते रहिए, जानकारी मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।